हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट थर्ड. ओके, टुडे आवर टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस स्टडी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस स्टडी. ओके, वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत अध्ययनकर्ता का सदैव यह प्रयास रहता है कि किसी न किसी ढंग अथवा स्रोत से अध्ययन की जाने वाली इकाई के बारे में अधिक से अधिक तथ्य प्राप्त किए जाएं. ओके, स्वाभाविक है कि इस पद्धति के अंतर्गत सूचनाओं के स्रोत अत्यधिक विविधतापूर्ण और विस्तृत होते हैं. अनेक व्यक्तिगत अध्ययनों में इतने अधिक स्रोतों और प्रविधियों का उपयोग किया जाता है कि उनसे इस पद्धति की बहुमुखी प्रकृति को सरलता से समझा जा सकता है. ओके, अकॉर्डिंग टू नील्स एंडरसन ने होवो लोगों के आंतरिक जीवन का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले समूह में गाए जाने वाले लोकगीतों, गाथाओं तथा उसकी कविताओं के माध्यम से उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न किया. इसके पश्चात उसने होवो लोगों के जीवन के बारे में विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय तथ्य एकत्रित किए. इसके अतिरिक्त उनकी वंशावलियों, फोटो तथा निकटवर्ती व्यक्तियों से भी अनेक प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की. इन सभी प्रयत्नों की सहायता से एंडरसन होवो लोगों के जीवन की आंतरिक विशेषताओं तथा उनके सामाजिक संगठन को बनाए रखने वाले व्यवहारिक नियमों को ज्ञात करने में सफल हो सका. इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत अध्ययन के स्रोत प्राथमिक भी हो सकते हैं और द्वितीयक भी. इन सभी स्रोतों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है. ओके, नंबर वन है प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस. व्यक्तिगत अध्ययन में अध्ययनकर्ता को अध्ययन इकाई से संबंधित अनेक तथ्यों का संग्रह प्राथमिक सूचनाओं के रूप में करना आवश्यक है. इसके लिए अध्ययनकर्ता व्यक्तिगत आधार पर अवलोकन तथा साक्षात्कार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनेक सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करता है. ओके, अब नेक्स्ट है प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्सेस, नंबर वन. ओके, जैसा कि नाम से स्पष्ट है तथ्य संकलन के प्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जिनके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या तो स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन के द्वारा सामग्री को एकत्रित करता है अथवा सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उपयोगी सूचनाओं का संग्रह करता है. इस कार्य के लिए एक अध्ययनकर्ता जिन अनेक प्रविधियों के उपयोग द्वारा तथ्यों का संकलन करता है उन्हें हम सामग्री संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं. इनमें से प्रमुख स्रोत तथा उनकी प्रकृति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है. नंबर वन है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन. अवलोकन वह प्रविधि है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता विषय से संबंधित क्षेत्र में जाकर स्वयं ही विभिन्न घटनाओं और दशाओं को पक्षपात रहित रूप से देखता है और इस प्रकार महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन करता है. यह प्रविधि उसी दशा में अधिक उपयोगी होती है जब अध्ययन का क्षेत्र सीमित हो तथा अध्ययन किया जाने वाला विषय लोगों के लिए उपयोगी होता है. मनोवृत्तियों से संबंधित ना हो. उदाहरण के लिए एक समूह में व्यक्तियों के रहन सहन, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक समारोहों तथा समस्याओं से संबंधित तथ्य एकत्रित करने के लिए एक अवलोकन महत्वपूर्ण स्रोत है. ओके, इस स्रोत के द्वारा उपयोगी तथ्य केवल तभी एकत्रित किए जा सकते हैं जब अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण पूरी तरह से निष्पक्ष हो. सामग्री संकलन के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में अवलोकन की प्रक्रिया को तीन भागों में विभाजित किया है जिनमें से अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरीके को उपयोग में लाया जा सकता है. इन्हें हम
सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन तथा असहभागी अवलोकन कहते हैं। नंबर वन है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ओके। नंबर टू है अर्ध सहभागी अवलोकन, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ओके। एंड नेक्स्ट है असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ओके। अब नेक्स्ट है अनुसूची, शेड्यूल्ड अनुसूची, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुसूची। अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न विषयों की एक ऐसी सूची है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदायी से उत्तरदाताओं से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं उसी सूची में अंकित कर लेता है। वास्तव में अनुसूची अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के प्रत्येक संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ओके। अब नेक्स्ट है साक्षात्कार, ओके। प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स, अवलोकन ऑब्जर्वेशन, अनुसूची शेड्यूल एंड साक्षात्कार इंटरव्यूज, ओके। अब है आपका इंटरव्यूज मतलब साक्षात्कार। प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने में साक्षात्कार एक प्रत्यक्ष स्रोत है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से मिलकर अध्ययन के विभिन्न पक्षों पर उनसे स्पष्ट वार्तालाप करता है। यही वार्तालाप सामग्री संकलन का स्रोत होता है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है अप्रत्यक्ष स्रोत, ओके। अप्रत्यक्ष स्रोत इनडायरेक्ट सोर्सेज, इसमें कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज मतलब प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए कभी कभी अध्ययनकर्ता ऐसे स्रोतों का भी उपयोग करते हैं जिनकी सहायता से अध्ययन क्षेत्र में जाए बिना अथवा उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क के बिना ही सामग्री का संकलन किया जा सके, ओके। अब अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन से आते हैं पॉइंट, इनडायरेक्ट सोर्सेस, प्रश्न इनडायरेक्ट सोर्सेस, ओके। और तो इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या आता है, नंबर वन पॉइंट है प्रश्नावली, प्रश्नावली क्वेश्चनरी। प्रश्नावली अनेक प्रश्नों की वह सूची है जिसे उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा इस आशय से भेजा जाता है कि वे सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसे अध्ययनकर्ता के पास वापस भेज दें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेडियो और टेलीविजन अपील्स, ओके। रेडियो और टेलीविजन अपील्स, विकसित और विकासशील देशों में रेडियो और टेलीविजन भी प्राथमिक सामग्री के संकलन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब नेक्स्ट है आपका टेलीफोन साक्षात्कार मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यूज। तथ्य संकलन का यह स्रोत भी वर्तमान समय से बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ है, विशेषकर महानगरों में जहां अनुसंधानकर्ता सरलता से उत्तरदाताओं के पास नहीं जा सकता। टेलीफोन के द्वारा चुने हुए व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके एक विशेष विषय से संबंधित उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क न होने के कारण इस स्रोत को भी सामग्री संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है। इस स्रोत के द्वारा तुलनात्मक रूप से कम समय में बहुत अधिक व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इन सूचनाओं की प्रामाणिकता अक्सर संदेहपूर्ण होती है। अनुसंधानकर्ता भी टेलीफोन द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिन निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है उनका सत्यापन करना संभव नहीं होता, क्योंकि ये सूचना लिखित रूप से नहीं होती है। नंबर वन है प्रतिनिधि प्रविधियां पैनल टेक्निक्स, ओके। वर्तमान समय में सामग्री का संकलन करने के लिए प्रतिनिधि प्रविधि को भी एक प्रमुख स्रोत के रूप में मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक स्रोत, इसमें आता है सेकेंडरी सोर्सेज जिसे बोलते हैं हम। प्राथमिक स्रोतों के अतिरिक्त व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत सूचनाओं के संकलन के लिए द्वितीयक स्रोत भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये द्वितीयक स्रोत अनेक प्रकार से व्यक्तिगत प्रलेखों मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंट के रूप में होते हैं। अब नेक्स्ट है
इसमें द्वितीय के स्रोत में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जैसे डायरीज हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, लाइफ हिस्ट्री है, ठीक है। तो नंबर वन क्या है, डायरी। व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति में सूचनाओं के स्रोतों के रूप में व्यक्तिगत डायरियों का प्रयोग अत्यधिक उपयोगी माना जाता है, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें वैयक्तिक पत्र, पर्सनल लेटर्स। व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में निजी पत्रों की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, ओके। और नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सूचनाओं के स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का भी अत्यधिक महत्व है, ओके। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सूचनाओं के स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का भी अत्यधिक महत्व है। जीवन इतिहास में व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों का बहुत विस्तार के साथ स्वाभाविक विवेचन करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत अध्ययन की विधि की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होती है कि अध्ययन इकाई से संबंधित सूचनाओं को प्राथमिक और द्वितीयक के स्रोतों के द्वारा कितनी कुशलतापूर्वक संकलित और व्यवस्थित किया जाता है, ओके। व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द केस स्टडी, इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जैसे इकाई का गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी ऑफ द केस, ठीक है। सेकंड पॉइंट है वैध परिकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशंस ऑफ वैलिड हाइपोथेसिस। एंड थर्ड पॉइंट है अध्ययन प्रपत्रों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग स्टडी टूल्स। एंड नेक्स्ट नंबर फोर पॉइंट है वर्गीकृत प्रतिचयन में सहायक, हेल्पफुल इन फाइंडिंग क्लासिफाइड सैंपल। एंड नंबर फाइव है विरोधी इकाइयों का ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यूनिट्स। एंड नंबर सिक्स है अनुसंधान के ज्ञान का विस्तार, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट इन द रिसर्चर। एंड नंबर सेवन है मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ द एटीट्यूड्स, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक, हेल्पफुल इन साइकोलॉजिकल स्टडीज, ओके। एंड नेक्स्ट प्रारंभिक अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन अर्ली एक्सप्लोरेशन। एंड लास्ट दीर्घ प्रक्रियाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लॉन्ग प्रोसेसेस, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच गाइज।